जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि किस कृषि फसल के अंदर आगे जाके कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और कितने फंडामेंटल्स कैसे मजबूती के साथ या तेज मंदी के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एग्री कम्युनिटीज में सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कैसे सीड से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6300 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 6330 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की तेजी है। हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कैसे सीड का वायदा बाजार आधे फीसदी की तेजी के साथ 6300 के ऊपर का हाई लगा चुका है, 6300 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज शाम में कैसे सीड में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6300 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। तो कैसे में हमने देखा है कि जो स्विंग है इस बार पिछले साल के मुकाबले कम होती हुई नजर आई है। अगर कैसे के स्विंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले लगभग इस बार कैसर का जो बुआई का जो रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिला है। आपको बता दें कि लगभग 15% कम होता हुआ नजर आ रहा है। 15% का अगर हेक्टेयर के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 6.3 लाख हेक्टेयर पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कैसे की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और निर्यात मांग ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कैसे सीड की कीमतों में हम तेजी का रुझान देख रहे हैं। बात करें चने की तो चने का सितंबर वायदा 5210 पर है, आधे फीसद से ज़्यादा की तेजी है। आपको बता दें कि चने की कीमतों में हमने एकदम से उछाल आते हुए देखा है NCDX की पर। बीते का सत्र में हमने देखा था कि चना 5000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था और अब चना 5200 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एकदम से चने की कीमतों में वायदा बाजारों के अंदर उछाल देखने को मिला है। दरअसल चने में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है वायदा बाजारों के अंदर। लेकिन बात करें अगर हाजिर मंडियों की तो हाजिर मंडियों में चने की जो कीमतें हैं वो अभी भी MSP के ऊपर ही कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। चना हाजिर बाजारों के अंदर 5300-5400 इसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और चने की MSP में भी सरकार ने हाल ही में बढ़ोतरी की है। पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब 130 रुपये की बढ़ोतरी करके 2022-23 के सीज़न के लिए 5230 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया चने का सबसे बड़ा निर्यातक है और वहाँ पर चने की कीमतों में तेज़ी आई हुई है, उसका थोड़ा बहुत असर घरेलू स्तर पर भी देखने को मिला है। और ये भी बात निकल के सामने आई है कि चने के जो भाव हैं घरेलू स्तर पर, भारतीय चने के भाव ऑस्ट्रेलिया चने की कीमतों से थोड़े कम ही है देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया चना महंगा है, जिसकी वजह से चने के भाव पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा, इसका जो प्रोडक्शन है, चने का जो उत्पादन है, इस साल 2020-21 में 119.9 लाख टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन उत्पादन, चने के उत्पादन को लेकर थोड़े कन्फ्यूजन वाला माहौल है, क्योंकि स्टॉकिस्ट, व्यापारी और जो मिल रहे हैं उनके अंदर एक टकरार हो देखने को मिल रही है चने के उत्पादन को लेकर। कोई ज़्यादा बता रहा है तो कोई कम। वहीं पर बात करें अगर डिमांड की तो डिमांड ठीक ठाक अभी भी देखने को मिल रही है, खपत भी अभी भी ठीक ठाक ही है। और जैसे जैसे त्योहारी सीजन पास में आते रहेंगे डिमांड और ज़्यादा देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि नवरात्र आएंगे, कनागत आएंगे, फिर शादी ब्याह का माहौल आएगा, जिसकी वजह से चने की जो कीमतें हैं वो और जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो चने में गिरावट का रुख, यानी कि जो डाउनवर्ड में है चना, वो कम ही देखने को मिल पाएगा और ऊपर में चने की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चना एकदम से उछाल मारेगा, अभी धीरे धीरे चने की कीमतों में कंसिस्टेंसी के साथ हाजिर बाजार में एक तेजी देखने को मिल पाएगी। चने के बाद बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 7944 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने धनिया को 8000 के घरों में कारोबार करते हुए देखा था, अब देख रहे हैं कि 7944 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन आई है शाम के कारोबारी सत्र में धनिया के अंदर। धनिया में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक शॉर्ट कवरी मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमने सुबह को आते हुए देखा भी। और धनिया की जो क्वालिटी है, जो आवक अभी देखने को मिल रही थी मंडियों के अंदर, वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से जो लेवाली है चने धनिया की वो थोड़ी कम देखने को मिली थी। इसकी वजह से हमने धनिया में एक हल्की नरमी भी आते हुए देखी थी। बात करें जीरे की, तो
जीरे का अक्टूबर वायदा 14,780 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 14,890 का हाई लगा चुका है, 15,000 के करीब है। एक बार जीरा फिर से आपको बता दें कि खबरें निकल के सामने आ रही है कि जीरे के जो एक्सपोर्ट है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जीरे के एक्सपोर्ट में उछाल आया है और जो एनालिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक आने वाले समय में ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में जीरे का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो उसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे जीरे की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जीरे का जो सप्लाई है, जो स्टॉक है, वो अभी ज्यादा है, जिसकी वजह से जीरे की कीमत हमने पहले एक नरमी के साथ कारोबार करते हुए देखी थी, लेकिन अब एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा बढ़ने की वजह से जीरे में भी एक अच्छी खासी तेजी निकल के सामने आ सकती है और कीमतें एक बार फिर से 15,000 के ऊपर जाती हुई नजर आ सकती हैं। बात करें हल्दी की, तो हल्दी में हमने देखा है कि जब से मानसून एक बार फिर से तेजी पकड़ी है बेरुखी के बाद, तब से ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाली हल्दी की जो सीजन होगा उसमें हल्दी का उत्पादन अच्छा देखने को मिल सकता है और इसी मार्केट सेंटीमेंट के चलते हल्दी की कीमतों में हमें एक नरमी वाला रुझान अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं। हाल फिलहाल में छोटी अवधि में मसालों में अभी एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है, लेकिन जब फेस्टिवल्स आएंगे, त्यौहार आएंगे, तब मसालों में एकदम से खपत निकलेगी, डिमांड आएगी और कीमतों में तेजी देखने को ज़रूर मिलेगी और इसके साथ साथ निर्यात मांग भी है। वहीं बात करें लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में एक्सपर्ट्स मसालों की कीमतों में तेजी का रुझान ही बता रहे हैं। ये जब बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार का अक्टूबर वायदा 10,077 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2% की गिरावट है, और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 6127 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 2.5% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि सुबह के सत्र के मुकाबले आज शाम के कारोबार सत्र में ग्वार कॉम्प्लेक्स एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, ऊपरी स्तर से एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हमने ग्वार की कीमतों को लगातार 3 से 4 दिनों तक 10,000 के ऊपर कारोबार करते हुए देखा है और ग्वार सीड में 6200 के ऊपर, लेकिन आज देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। वहीं एक्सपर्ट्स का अभी भी यही मानना है कि ग्वार की कीमतों में अभी भी ये जो तेजी है वो अभी जारी रह सकती है। बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड का अक्टूबर वायदा 8683 पर कारोबार कर रहा है 1.5% की तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड के अंदर अब कुछ निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आई है एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद, क्योंकि फंडामेंटल्स सरसों के मजबूत ही हैं। हाजिर में हम सरसों की कीमतों को ऑलरेडी 9,000-10,000 रुपये प्रति क्विंटल देख रहे हैं और वायदा में भी 9,000 के ही करीब है, लेकिन 9,000 एकदम से नहीं होगा, अभी 9,000 होने में सरसों की कीमतों को NCDX पर थोड़ा टाइम लग सकता है। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6352 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 6388 का ही लगा चुका है, 1.5% की तेजी आज सोयाबीन के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोयाबीन का वायदा बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, 6200 से लेकर 6700 यानी 6200 से लेकर 6700 के घरों में सोयाबीन एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सोपा के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि सोयाबीन की जो बुआई का रकबा है ठीक ठाक ही है और उत्पादन भी ठीक ही है, जिसकी वजह और विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में नरमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में घरेलू स्तर पर भी अभी एक नरमी देखने को मिल रही है और इसी का असर रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, सरकार ने अभी हाल ही में वनस्पति तेलों के आयात शुल्क मुल्क में कटौती की है, जिसकी वजह से रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और रिफाइंड सोया तेल एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। इस समय की बात करें तो इस समय रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1331 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.25% की तेजी के साथ। आज हल्की फुल्की तेजी खाद्य तेलों के बाजार में बनती हुई नजर आई है। तो यह था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उन पर एक्सपर्ट्स का क्या राय, क्या मानना है कि किस कृषि फसल के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।